अस्सलामु अलैकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम इसम मारफा की तारीफ़ करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ के ऊपर ये लिखना है। वो इसम जो ख़ास इंसान, जानवर, चीज़ या जगह का नाम हो, इसम मारफा कहलाता है। इसे इसम ख़ास भी कहते हैं। ठीक है, ख़ास इंसान का नाम, ख़ास जगह का, ख़ास जानवर या चीज़ के नाम को इसम मारफा कहते हैं। जिस तरह किसी ख़ास इंसान देख लें, इलामा इकबाल हैं, कायद आज़म है, ये ख़ास इंसान है। ठीक है, ये इसम ख़ास, इनको इसम ख़ास कहेंगे, इसम मारफा भी कहलाते हैं ये। इसी तरह ख़ास चीज़ का नाम और ख़ास जगह का नाम, वो भी सारे इसम मारफा कहलाते हैं। मिसालें हमारे पास है इलामा इकबाल, लाहौर, तरबेला डैम, पाकिस्तान, कोई सुलेमान, यानी किसी भी ख़ास जगह का नाम, ख़ास इंसान का, ख़ास चीज़ का नाम इसम मारफा कहलाता है। ये आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर करना है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने अपनी ग्रामर के बुक्स में से वाहिद जमा करने हैं। पहले हम लोगों ने पिछले पेज पे किए थे, पेज नंबर 27 पे, अब हम लोगों ने नेक्स्ट करने हैं। नेक्स्ट हमने हमारे पास है इनकशाफ, इनकशाफात, बैत, ब्यूत, बैत, शेर, यानी कि ये दो लफ्ज़ हैं लेकिन इनका मतलब अलग अलग है। अबियात, बरकत, बरकात, बुजुर्ग, बुजुर्गान, बाब, अबवाब, बदन, अबदान, बेगाना, बेगाने, बुखार, बुखारात, बर्ज, बरूज, बाग, बागात, परिंदा, परिंदे, पैगाम, पैगामात, तकरीर, तकारीर। ये आप लोगों ने, नेक्स्ट हमारे पास है तालीम, तालीमात। यहाँ तक आप लोगों ने इसको अपनी कॉपीज़ के ऊपर भी करना है, नीट कॉपीज़ के ऊपर।